अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे, और दुआ है आप जहां भी रहें इसी तरह से खुशहाल रहें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलते हैं मेरी आज की न्यू वीडियो की जानिब, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आई हूँ, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माय डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल डिफरेंट ब्यूटीफुल अबाया के डिज़ाइंस। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है, तो हमें अबाये की इम्पोर्टेंस का बिल्कुल पता है। तो इसलिए आज मैं अपनी मुस्लिम फ्रेंड्स के लिए अबाये की डिफरेंट डिज़ाइंस की कलेक्शन लेकर आई। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कलर कम्बिनेशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से देखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ब्लैक कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए आज की वीडियो में आपको ज़्यादातर ब्लैक कलर की क्वालिटी नज़र आएगी। ब्लैक कलर में भी काफ़ी ज़्यादा कलर डिज़ाइंस भी आपको नज़र आएंगे, कुछ हल्के कलर के होंगे, कुछ डार्क कलर के होंगे, तो आपके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश के मुताबिक बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर कम्बिनेशंस के साथ डिफरेंट डिज़ाइंस और स्टाइल्स लेकर आई हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा काम सिर्फ आपको न्यू वैरायटी और न्यू फैशन के अबाउट इंट्रोडक्शन करवाना होता है, बाकी आप अपनी चॉइस के मुताबिक डिज़ाइंस को सिलेक्ट करें और अपने लिए और उसी डिज़ाइन के मुताबिक अबाया बनवाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप ये डिज़ाइंस को फॉलो करते हुए अपने लिए खुद भी बना सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं हैं खुद डिज़ाइनर तो आप अपने टेलर से बनवा सकती हैं, और ऑनलाइन भी आप इसी डिज़ाइन के मुताबिक अपने लिए प्यारे प्यारे से अबाया मंगवा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।